ओके सो प्लेन पाथ की बात करें, बेंताई की साइड से निकलता हुआ या फिलहाल खाओ एंड मोंगने की साइड जाता हुआ उसके बीच से, एंड देखते हैं टीम्स कहाँ पर जाती है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 1 की स्क्वाड की, तो वो लोग जंप ले चुके हैं एंड बुट तो थोड़ा सा स्प्लिट कंपाउंड कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल टीम नंबर 1 के बंदों ने एक प्लेयर को स्पॉट किया जो कि SST के बंदे रहेंगे, उनको नॉक भी कर दिया। सामने भी ताना जी स्पॉटेड है, सॉरी माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, यहाँ पे SST लोकी स्पॉटेड है, ताना जी जस्ट उनके बगल में ही थे। बाकी फिलहाल नॉक नहीं निकाला। एक और बंदा आगे की साइड रहेगा जो कि जोकर रहेगा, एंड 1v3 होते होते रह गया। अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया था बट कोई ना। एंड ताना जी की स्क्वाड आते हैं, उन्होंने 3 फिनिशर्स निकाल लिए, एक फिनिश इनके पास गया, बाकी 2 बंदे फिनिश रहेंगे। क्या नाम है इस बंदे का, समीर, ओके। बाकी अगर जोन की बात करें क्वेरी की साइड बनता हुआ जहाँ पे हमें टीम नंबर 13 की स्क्वाड देखने को मिली, उनके पास अच्छा खासा एरिया जरूर है लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट में खेल रहा है। अभी तो चलेगा बट अगर जोन श्रिंक हुआ एंड बाद में भी ऐसे ही खेलते नजर आए तो दिक्कतें जरूर बनेंगी। फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 23 की बात करें, इन्होंने सामने की साइड एक नॉक निकाला जो कि टीम नंबर 2 के बंदे रहेंगे एंड DXC के। बाकी इनके पास एक फिनिश हो चुका है, रिवाइव भी दिया जा रहा है, 5 सेकंड है, आराम से रेप भी हो जाएंगे, उसके बाद आराम से आगे की फाइट्स वगैरह भी निकालेंगे। यहाँ पर DWS की स्क्वाड फिलहाल लूट करती हुई अभी के लिए, लेकिन वो थर्ड पार्टी वगैरह करने आ सकते हैं क्योंकि इनके जस्ट सामने बंदे रहेंगे। ईजी छोटा मोटा लूट करके आगे जा सकते हैं, फिर थर्ड पार्टी करके आराम से फिनिश पॉइंट निकाल सकते हैं जैसा यूजली ये लोग करते हैं सैनॉक के मैच में। फिलहाल कुछ ज़्यादा क्लस्टर वगैरह भी देखने को नहीं मिला है, थोड़ा जोन अगर श्रिंक होगा तो फिर ज़रूर देखने को मिल सकती है। फिलहाल 4M के बंदे आते हुए उन्होंने इनको दिक्कतें दी है जो कि स्लॉट नंबर 13 रहेगी, तो 4 स्क्वाड्स का यहाँ पे क्लस्टर बनता नजर आएगा। कौन सी स्क्वाड यहाँ से बच के निकलेगी वो देखना पड़ेगा। फिलहाल मैन एडवांटेज की बात करें तो टीम नंबर 13 के पास रहेगा, टीम नंबर 22 के पास रहेगा। बाकी यहाँ पे अगर DXC की बात करें, उनका एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है, 3-4 बंदों के साथ खेल रहे थे। एंड 4DR की बात करें तो ये लोग 3 बंदों के साथ खेल रहे थे, इनको भी एक कैजुअलिटी हो चुकी है, तो इनको अभी के लिए डुओ ही फाइट निकालनी पड़ेगी। यहाँ से फॉल बैक कर लें तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड बाकी टीम्स की फाइट वगैरह होने दें एंड फिर थर्ड पार्टी वगैरह करके आगे की फाइट्स वगैरह निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें टीम 22 के बंदों की, तो इनको एक कैजुअलिटी हो चुकी है। एंड सामने यहाँ पे टीम नंबर 2 के बंदों को स्पॉट किया गया, उनको यहाँ पे एक एक करके एलिमिनेट करते नजर आ रहे हैं। आखिरी बंदा बचा जिसकी HP काफ़ी ज़्यादा कम है, 2 बैंडेजेस रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे फिलहाल फिनिश पॉइंट कंफर्म करते हुए तो ये लोग नीचे की साइड है अभी के लिए, डॉग्स के एरिया लूटते हुए DWS के बंदे आते हुए वो एक बंदे को और नॉक करेंगे जो कि टीम नंबर 13 का रहेगा आई गेस। यप, एंड यहाँ पे इस फाइट के बीच में DWS की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है क्योंकि वो एक एक करके बंदों को एलिमिनेट कर रहे हैं, बट अब नहीं क्योंकि इनके बंदों को भी एलिमिनेट किया जा रहा है। सामने टीम नंबर 2 का बंदा रहेगा जो कि शॉट लेता हुआ फिलहाल उसकी साइड पुश करने जरूर जा रहे दो बंदे, लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव वगैरह देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूजी से यहाँ पे 1-2 गोलियाँ ही कनेक्ट हुई एंड वो बंदा हो चुका है हेलमेट। फिलहाल अभी के लिए अपने टीममेट को रिवाइव दे देंगे ईजी। यहाँ पे 4M के बंदों की बात करें तो वो ज़रूर नॉक निकालेंगे एंड इंस्टेंट आई गेस एलिमिनेट वगैरह भी कर देंगे। बाकी उनकी साइड यहाँ पे TSM देर OP पुश करने के लिए जा रहे हैं, अकेला बंदा इधर रहेगा तो ईजी यहाँ पे 2v1 की फाइट निकाल सकते हैं एंड उसके बाद पीछे जाके आगे की फाइट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अपनी M4 रिलोड करते हुए थ्रोएबल्स आ जरूर रहे, बट यहाँ पे अगर बात करें 4M के बंदों की तो वो लोग मल्टीपल फाइट्स में इंगेज हैं। यहाँ पे 4DR की स्क्वाड को भी दिक्कत दे देते हुए एंड यहाँ पे मार्शल आते हुए 1v2 करके 4DR की स्क्वाड को गेम से बाहर करते हुए। बाकी 4M के बंदे आते हुए एक और प्लेयर को नॉक करेंगे, सामने जस्ट बंदा आ चुका है मार्शल, सॉरी वेलकैनो, एंड अभी के लिए फिलहाल TP भी लेते हुए वेक्टर इनके पास भी रहेगी। 1v1 की फाइट रहेगी, पीछे से एक बंदा आएगा जो कि फाइनल फिनिश करके यहाँ पे टीम DWS की स्क्वाड को एलिमिनेट कर सकता है। ओपन में रहेगा जैसे ही आगे जाता है। फिलहाल यहाँ पे शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं, 1v1 लिया जा रहा है, उधर देखते हैं उसका क्या अंजाम रहता है। बिल्कुल यहाँ पे वो सक्सेसफुली एलिमिनेट कर देगा DWS की स्क्वाड को एंड इनके पास 6 फिनिशेस कंफर्म हो चुके हैं, बट BTS के ऊपर की साइड से आती नजर आएगी। टीम नंबर 21 की स्क्वाड जो कि EMZ की स्क्वाड रहेगी, यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदों की बात करें व्हीकल लेके निकलते हुए एंड उनके जस्ट राइट हैंड साइड में जाते नजर आ रहे टीम EMZ के बंदे। ब्रिज की साइड से अगर गए तो यहाँ पे उतारा जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे जा भी रहते उतारा भी जाएगा। फिलहाल पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी है, इस बंदे को 4 फिनिशेस मिल चुके हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा क्लच देखने को जरूर हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल बात करें टीम नंबर 10 की स्क्वाड की, तो वो लोग भिड़ चुके हैं टीम नंबर 12 की स्क्वाड से, इनके एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया, बाकी 3 बंदों के साथ खेल रहे। 3v3 की फाइट थी, 3v2 बना चुके अभी के लिए। यहाँ पे कुछ थ्रोएबल्स का भी यूज़ किया जा रहा है। EMZ के बंदे आते हुए जैसा मैं बात कर रहा था, अगर बैक क्लियर नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कतें दे सकते हैं, यहाँ पे टीम नंबर 20 को वैसे ही दिक्कतें होती हुई नजर आ रही हैं। एंड यहाँ पे नॉक किया, इंस्टेंट फिनिश भी कर दिया गया, किसने फिनिश किया वो देखना पड़ेगा। फ्यूरियस OP आई गेस, बिल्कुल यहाँ पे जैसा बोल रहे थे 1v4 किया, कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड कॉन्फिडेंटली आगे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं एंड जो भी सामने बंदे आने वाले उनको एलिमिनेट करने का फुल ट्राई रहेगा।
बाकी पीछे से कवर देने के लिए टीम में ट्राएंगे। लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल एडीएस देके जरूर जा रहे हैं, एंड ऊपर रिज पे पहुंच जाएंगे तब तो थोड़ा सा और भी इजी हो जाएगा। फिलहाल शॉट्स वगैरह लिए गए एंड यहाँ पे स्पॉट किया एक और बंदे को एंड एलिमिनेट किया। 6 फिनिशेस इनकी टीम की एंड तो और सारे के सारे फिनिश इसी बंदे के रहेंगे। अगर बात करें आरएफए की स्क्वाड की तो उन्होंने एक स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया, इनको 3 फिनिश पॉइंट भी मिल चुके, बट इनके ऊपर शॉट्स आते हुए टीम नंबर 20 के बंदों के साइड से ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे चुके। फिलहाल दो बंदों के साथ भले ही बचे हैं बट यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं टीम नंबर 9 की स्क्वाड को। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिलहाल एक ही प्लेयर नॉक है, एक प्लेयर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम है बट वो बंदे काफ़ी ज़्यादा ओपन में। तो अगर राइट हैंड रिच पे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रिच पे जाते हैं तो ईजी यहाँ पे सैंडविच करके एलिमिनेट कर सकते हैं, बट जाते जाते नॉक ना हो जाए वो देखना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक थ्रोएबल का यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे नॉक भी निकाला जाएगा, दो बंदे नॉक है, 2v2 की फाइट बन चुकी है। जल्दी से यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज रिवाइव हो गए तो इनके लिए ज़रूर बीटी होगी। फिलहाल एक बंदा यहाँ पे पीछे की साइड से कवर दे रहा है, एक बंदा आगे जाके थ्रोएबल्स का भी यूज़ कर रहा है, तो देखते हैं कनेक्ट होता नहीं होता। अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे के सारे बंदे अंदर रहने वाले। यहाँ पे एक फिनिश पॉइंट जरूर मिल जाएगा, ब्लीड आउट हो जाएगा टीम नंबर 9 का वो बंदा। फायर्स वगैरह दिए जा रहे हैं बट वो भी कनेक्ट नहीं होने वाले। यहाँ पे स्पॉट करेंगे, एक और प्लेयर को नॉक करेंगे, 2v2 की फाइट बन चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे 1v2 की फाइट रहेगी। एक और प्लेयर को स्पॉट किया, उसको भी नॉक करेंगे, 1v1 की फाइट रहेगी, हेल्थ डिसएडवांटेज जरूर रहेगा। यहाँ पे स्पॉट किए जाएंगे, शॉट किए गए, फिलहाल अभी के लिए रिलोड करना चाहिए आई गेस। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आईकी लगाने का ट्राई कर रहे थे बट वो बंदा जाएगा अंदर, एंड अभी के लिए फिलहाल तो कुछ सीन नहीं बनता हुआ। एंड अब जाके शॉट वगैरह लिएगा, यहाँ पे स्पॉट करेंगे एंड इनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। सामने की साइड से फिलहाल रिवाइव देंगे अपने टीममेट को एंड उसके बाद जोन में जाते नजर आएंगे। जो ब्लैक अकेले बच्चे तो सैंडविच किया जाएगा एंड टीम नंबर 10 की साइड से गेम से बाहर भी कर दिया जाएगा। 3 फिनिशेस कंफर्म हो चुके हैं इनको। मॉली जरूर फेंकी थी, अच्छी मॉली थी, बट सामने की साइड से यहाँ पे नॉक निकाला जाएगा। 2v2 की जो फाइट थी 2v1 की बन चुकी है अभी के लिए, एंड यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सा मुश्किलों में जरूर रहेगा, लेकिन 1v2 करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट सामने बंदे भी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे एक पर कोई स्पॉट किया था, अच्छा खासा डैमेज दिया, राइट हैंड साइड से आता नजर आएगा एक बंदा, लेफ्ट हैंड साइड से आता नजर आएगा बंदा, एक पर कोई स्पॉट किया, उसको नॉक किया, दूसरे प्लेयर को क्या नॉक कर सकते हैं। फिलहाल उससे पहले यहाँ पे जिसको नॉक किया उसको एलिमिनेट करेंगे अभी के लिए 1v1 की फाइट। पहले आई थिंक फर्स्ट एड वगैरह लगा लेना चाहिए, इनके बंदे को भी एलिमिनेट कर दिया गया। फिलहाल फर्स्ट एड छोड़ते हुए यहाँ पे स्पॉट किए जाएंगे एंड सामने की साइड से इनको कर दिया जाएगा गेम से बाहर, कर सकते वो देखना पड़ेगा। 10 फिनिशेस कंफर्म कर रखे, सामने एक और प्लेयर को स्पॉट किया, फिलहाल वो बंदा ब्लीड आउट होता नजर आएगा। यहाँ पे स्मोक जरूर किया जा रहा है, इनको यहाँ पे स्पॉट किया गया, शॉट्स अच्छे खासे लिए गए थे इनके ऊपर, डैमेज भी हुआ था, लेकिन सामने की साइड एक और नॉक निकाला जाएगा इनके टीममेट की साइड से। फिलहाल एक और प्लेयर को स्पॉट करते हैं, उसको भी अच्छा खासा डैमेज दिया। यहाँ पे रिवाइव वगैरह देना पॉसिबल होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इनको फिनिश पॉइंट कंफर्म हो चुका है। एंड एक और बंदा बचा हुआ है जिसको आई गेस यहाँ पे स्मोक करके बचाया जा सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा। आते जाते टाइम अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ओपन में आए और गलती की तो इनकी साइड एक और नॉक देखने को मिलेगा। फिलहाल EMZ के बंदे आते हैं, उन्होंने भी कुछ नॉक्स वगैरह निकाले, चलते हैं उनके ऊपर। एंड इनके जस्ट सामने टीम नंबर 1 की स्क्वाड रहती है एंड गेट कीप करते नजर आ रहे, क्योंकि वो लोग जोन के बाहर नहीं है। 14 फिनिशेस, क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म होगा या फिर आगे तक ही जाने वाला है, क्योंकि सामने जो टीम है वो भी फुल डोमिनेट करके आई है एंड फाइट लेने को एकदम तैयार है। फिलहाल शॉट्स वगैरह लिए जा रहे हैं एंड दोनों टीम्स के शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए अभी के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में टीम नंबर 15 के बंदे भी रहेंगे। एसकी की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल इनका एक बंदा नॉक पड़ा, रिवाइव देना पड़ेगा। टीम नंबर अगर बात करें 1 की तो दिक्कतों में आती नजर आ रही, सफ़र इनका ख़त्म होता नजर आ रहा है। एंड टीम नंबर 21 के बंदे अच्छा खेलते हुए अच्छे तरीके से गेट कीप करते हैं। फिलहाल रिवाइवल का प्रोसेस जारी है, जोन श्रिंक हो रहा है, जोन का भी डैमेज पड़ने वाला, रिवाइव देखे जल्दी से यहाँ पे आगे या तो पुश करना पड़ेगा या फिर कहीं और से रोटेशन देना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एक ग्रेनेड आया था ताना जी का जो कि नॉक निकालेगा इनकी साइड। फिलहाल जोन का डैमेज पड़ना स्टार्ट हो चुका है, आगे जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शॉट्स वगैरह लिए जा रहे हैं, फिलहाल देखते हैं इस कंपाउंड का एक हिस्सा रहेगा जोन में जहाँ पर रिवाइवल का प्रोसेस जारी होएगा एंड यहाँ से निकलेंगे कैसे वो एक क्वेश्चन रहेगा। स्मोक अगर फिलहाल स्मोक में रैंडम शॉट जरूर लिए जा रहे हैं बट वो कनेक्ट नहीं होने वाले। यहाँ पे अगर समीर की बात करें आगे जाते हुए नजर आ रहे, एक मॉली फेंकी गई थी, यहाँ पे शॉट लिए गए, स्पॉट किए गए बंदों को, लेकिन अभी के लिए इतना कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया था, लेकिन इनको कर दिया नॉक। पीछे से एसकी की स्क्वाड भी दिक्कतें देती हुई एंड यहाँ पे ताना जी की पूरी स्क्वाड को गेम से बाहर कर दिया गया। 4 फिनिशेस इस बंदे के पास रहेंगे। अगर EMZ की स्क्वाड की बात करें तो उनके पास आई गेस
11 फिनिशेज हो चुके हैं, 4 फिनिशेज मिल चुके हैं इनको, बाकी है इसकी के बंदे को एलिमिनेट करेंगे। 12th फिनिश अपना कंफर्म करते हुए 4 टीम्स 10 प्लेयर अभी भी अलाइव हैं। सामने रहेगी टीम नंबर 13 की स्क्वाड, टीम नंबर 15 की स्क्वाड एंड टीम नंबर 17 की स्क्वाड, और इधर रहेगी पूरी की पूरी टीम नंबर 21 की स्क्वाड। फिलहाल एडवांटेज में ज़रूर रहेंगे, जोन में आराम से पहुँच जाएंगे। भसड़ होती नजर आ रही है, ऐसे प्रोन नहीं रहना होगा इनको, यहाँ पे फाइट्स निकालनी पड़ेंगे, फिनिश पॉइंट्स निकालने होंगे। ईएमजेड के बंदे आते हुए उन्होंने एक और बंदे को एलिमिनेट कर दिया, 3 टीम्स 10 प्लेयर अभी भी अलाइव हैं। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, यहाँ पे फिलहाल जोन श्रिंक हो रहा है एंड 31 मीटर जोन में जाना पड़ेगा। टीम नंबर 15 को एक बार फिर से फेवर करता हुआ जोन, लेकिन अभी भी ये बंदा प्रोन हो रखा है। यहाँ पे इन्फो निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकते हैं, फिनिश पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला टीम नंबर 15 की साइड से। थोड़ा सा डर है या फिर क्या सीन है कुछ पता नहीं। फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 20 वर्सेस टीम नंबर 17 की एक अच्छी फाइट देखने को मिले, इनके भी दो बंदे नॉक हैं। एंड सामने अगर बात करें उस स्क्वाड को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे अगर जैसे बात करें किल फीड अगर रीड की होती, दो बंदे बचे हुए, एक की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम है। राहुल अगर बात करें अभी भी प्रोन है, मौका अच्छा था यहाँ से अपने फेवर में फाइट लाने का, बट प्रोन रह के मैं फिर बोल रहा काम नहीं चलने वाला, आपको इन्फो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे थ्रोएबल्स का यूज़ किया जा रहा है, कनेक्ट होंगे नहीं होंगे वो देखना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे रिवाइव देने के बाद इनके ऊपर एक तगड़ा पुश आने वाला है, इनको पता है 4v2 की सिचुएशन होगी या फिर 4v1v1 की सिचुएशन होगी। यहाँ पे स्पॉट किया हुआ है, यहाँ ये बंदे इनको निकालते हैं, यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक भी निकालेंगे, आखिरी बंदा बचा उनकी साइड भी पुश करेंगे एंड जाके इनको बाहर कर देंगे एंड इजी चिकन डिनर निकालेंगे अपने लिए।